So it's 5:20 and almost reached the peak. Hey guys, welcome back to the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. So it's a beautiful Saturday and हम लोग आ जाए हैं कलसू भाई. तो अभी फिलहाल मैं बेस विलेज पे, कलसू भाई के बेस विलेज पे जो है बारी. एंड यस, मेरे साथ आज दया है. दया मुझे लास्ट टाइम पेपफोर्ट पे मिला था, तो उसके पूरे ग्रुप में से सिर्फ दया है, बाकी लोग थोड़े ऑक्यूपाइड है दूसरे सब काम में. तो यस, तो आज कलसू भाई करने वाले. एंड कलसू भाई इज नोन एज द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज कलसू भाई हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का विथ एन एलिवेशन ऑफ 1646 मीटर अप्रॉक्स. सो यस, काफ़ी मज़ा आने वाला है. हम लोग ऊपर स्टे करने वाले. एंड यस, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप खुद के व्हीकल से आ सकते हो. यहाँ पे पार्किंग के लिए कुछ इशू नहीं है, खुद की गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाइक कार के लिए जगह है बाहर. एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आप आ सकते हो वाया कसारा एंड वाया इगतपुरी. तो हम लोग वाया कसारा है, दादर CST से कसारा तक ट्रेन अवेलेबल है. कसारा उतर के बाहर आना आपको स्टेशन के, एंड फिर वहाँ से जिप्स अवेलेबल है यहाँ के लिए. तो हम लोग से 150 चार्ज किया पर पर्सन, शेयरिंग था. एंड यस, ST से भी आ सकते हो, बट ST अभी ST वाले स्ट्राइक पे गए तो ST चालू नहीं है, इसलिए जीप से आ गए. बट ST से थोड़ा कम हो गया और ST आई एम नॉट श्योर यहाँ पे छोड़ेगी या जहाँ पे स्टॉप है वहाँ पे छोड़ेगी. एंड सेम इगतपुरी का भी है, अगर आप इगतपुरी से आ रहे हो तो इगतपुरी के से भी आप जीप ले सकते हो, या फिर इगतपुरी स्टेशन से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ST स्टैंड है, वहाँ से ST से भी आ सकते हो. तो आने के लिए कुछ इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. एंड यस, अभी चलते हैं. टाइम कुछ हो गया, 3 बजने आ गए अप्रोक्स. एंड गांव में से ऐसा रास्ता है, ये रास्ता या फॉलो करते जाना है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गांव में से किसी को भी पूछ सकते कैसे जाना है, बिकॉज गांव में बहुत सारे रास्ते हर जगह जाने के लिए. तो आप किसी को भी पूछ के रास्ता फॉलो करके पहुंच सकते हो. तो अभी चलते ट्रैक स्टार्ट कर दें. एक्साइटेड है और यस, देखते ठंडी है कि क्या है. बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी तो पूरा वाट लग जाएगा, क्योंकि बारिश के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं है. बैग में पूरे कपड़े अपड़े एंड वो सब गीले हो जाएंगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा. तो होप करें बारिश ना हो, ठंडी झेल लेंगे. एंड या चलते अभी, मिलता हूँ आप लोग को आगे. सो स्टार्टिंग में ऐसे कुछ स्टेयर्स है, तो अगर आपको ये स्टेयर्स नहीं मिले मतलब आप कहीं तो गलत जा रहे हो. ये स्टेयर्स स्टार्ट में तो भी चलते ऊपर. कुछ दिखाने जैसा रहा इम्पोर्टेंट तो मैं बताता हूँ. सो अप्रॉक्स 15 मिनट्स के हाइक के बाद यहाँ पे गेट है कलसू भाई टेम्पल का. एंड वहाँ पे कहीं पे तो बादलों में पीक है, लाइक टेम्पल है. सो यस, मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चिल है. एंड ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा, 3 बज रहे हैं बट सूरज का नामो निशान नहीं है. तो ऐसा लग रहा है जल्दी अंधेरा होएगा, ट्राई करेंगे अंधेरा होने के पहले ऊपर पहुंच जाए. तो यस, चलते अभी. सो इट्स 5:20 एंड ऑलमोस्ट रीच द पीक. वहाँ पे 15 मिनट्स लगेगा, 15-10 मिनट्स. सो 5:30 तक पहुंच जाएंगे, होपफुली ऊपर जाके सनराइज़ देखने मिले, सॉरी सनसेट देखने मिले. अच्छा खासा क्लियर स्काई दिख रहा है. बीच में थोड़ा लगा कि बारिश होगी क्योंकि पूरा फॉगी फॉगी हो गया था, बट अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई. सो अभी ऊपर जाते हैं, टेंपल है ऊपर, सनसेट देखने मिला तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा. एंड यस, वीकेंड है, काफ़ी लोग आए तो एक दो ग्रुप भी मिले, तो अभी उनके साथ ही कैंप करेंगे. तो अभी चलते हैं फटाफट ऊपर. और कुछ चीज़ें हैं ये ट्रैक के बारे में, ऊपर पहुंच के बताता है फिर थोड़ा रेस्ट करके बताता हूँ.
एंड सरप्राइज दैट्स द सन, मस्त सनसेट इंजॉय करेंगे. एंड ये रहा टेम्पल. सो तो हवा एकदम कम है बट वेदर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कूल है. हाँ, आप लोग को व्यू दिखाता हूँ. सो दैट्स द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र. एकदम ब्यूटीफुल सा सनसेट. थक गया पूरा बॉडी, गला सूख गया है बट ऊपर पहुंचने की खुशी नेक्स्ट लेवल. अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं. दोस्त लोग पीछे हैं, हम लोग आ रहे हैं तो उनका वेट करता हूँ. एंड एक टाइम लैप्स. सो अच्छा खासा सनसेट हो चुका है एंड सनसेट होते ही एकदम मस्त ठंडी लग रही है. अभी हवा नहीं चल रही है बट टेम्परेचर अच्छा खासा लो हो चुका है एंड बहुत ठंडी लग रही है. तो अभी इतनी ठंडी लग रही है, पता नहीं रात को और कितना टेम्परेचर नीचे जाएगा और कितनी ठंडी लगेगी. प्लस पूरे कपड़े पसीने में गीले हैं तो उसकी वजह से और थोड़ा ज़्यादा चिल लग रहा है. और ये पूरा ग्रुप है, और भी लोग हैं जो नीचे हैं तो उनको भी मिलता हूँ. इन लोग के साथ आज कैंप करेंगे मस्त. सो इट्स ऑलमोस्ट 7 एंड वी कांट सी सन येट एंड वी आर हेडेड टुवर्ड दैट पॉइंट. सो वी गेट अ क्लियर व्यू ऑफ सनराइज एंड दैट्स द पीक एंड दैट्स गंगा एंड दैट्स Arpana behind Ganga. Are you gonna vlog it? Yes, of course. Hi, this guy is a vlogger. I didn't know. Now you know. Say hello to this guy for me. All of you. And the pinnacle which you see behind me, that's the peak. That is where the temple is. That one. So, हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे already काफी लोग गए. Almost. No, because you wanna walk more. No. Because this place is very crowded right now. You wanna walk. So, I wanna enjoy the sunrise in peace. And yeah. Where is the sun? Where is the rise? Chalna, we'll figure out something aage. So yes. आगे जाते हैं. होपफुली अच्छा व्यू मिले आगे. अगर मिला तो मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ तक कैसे पहुँचना है. इफ नॉट देन आप लोग भी ऊपर जाके एंजॉय करना बिकॉज ऊपर जाके आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छा व्यू मिलेगा. व्हाट व्हाट दिस वन इट्स अ लेक. दोस व्हाइट लाइंस दोस आर फॉग्स. हाँ. So we have reached this point. यहाँ पे मस्त एकदम एकदम प्रॉपर क्लीन व्यू है, आप लोग देख सकते हैं. सो अभी हम लोग थोड़ा चिल करेंगे यहाँ पे, सनराइज देखेंगे एंड फिर एक टाइम लैप्स शूट करूँगा. होपफुली अच्छा है एंड देन विल लीव. एंड वहाँ पे भी अच्छा व्यू है बट वहाँ पे ऑलरेडी लोग है सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम. नो ही वांटेड टू वॉक मोर. नो वे. Hey!
थोड़ा चल के आ गया है वो पॉइंट से यहाँ पे। एक सेकेंड मैं बताता हूँ क्या। ओके सो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मस्त अच्छा खासा माउंटेन है, एकदम मस्त वैली जैसा है। वहाँ पे क्लाउड्स में कुछ दिख रहा नहीं है, लेक है एंड द सनराइज। और पहले हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक किया, अच्छा खासा सनराइज़ एंजॉय किया एंड नाउ वी आर हियर जस्ट टू एक्सप्लोर। एंड अभी आगे जा सकते हैं, रास्ता है, बट आई वुडंट रिकमेंड एनीवन टू गो देयर, बट अपने रिस्क पे जाओगे अगर आप जा रहे हो। एंड दैट्स द पीक एंड दिस फेलो इज नितेश, ये सोलो आया है। सो यस, कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी थी हाइक में। अच्छा, व्हाट इज हरिश्चंद्रगढ़? थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, बट विच वन इज हरिश्चंद्रगढ़? दैट्स सेकंड पीस में जो है ना। अच्छा, ओके ओके, सो यहाँ पे वो हरिश्चंद्रगढ़ है। सो यस, मेरे को चीज़ें जो बतानी थी कि हाइक पूरा आपको चढ़ के आना है, प्लस बारिश में मैं बोलूँगा अवॉइड करो बिकॉज काफ़ी स्लिपरी हो जाएगा बारिश के वजह से। एंड चढ़ने के लिए काफ़ी सारे स्टेयर्स लगाए हैं, जहाँ पे स्टेयर्स है वहाँ पे रॉड्स है, हैंडल बार्स है सपोर्ट के लिए। सो जब ये बैक इन 2016 में आया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब प्रॉपर क्लाइंब था, सिर्फ दो ही स्टेयर्स थे पूरे ट्रैक में, बट अभी काफ़ी सारे स्टेयर्स यहाँ पे लगाए। एंड स्टेयर्स के यहाँ पे बड़ी बड़ी वाइट कलर की थैली रखी है जिसमें आप अपना कचरा फेंक सकते हो, तो प्लीज़ कचरा यहाँ पे मत फेंको, थैली है वहाँ पे फेंको, अगर थैली नहीं है तो अपने साथ कैरी करके नीचे डस्टबिन में फेंको, बट ये सब जगह पे मत फेंको प्लीज़। एंड यस, वहाँ पे खाना अवेलेबल है, टेंट्स अवेलेबल है, सो इफ़ यू आर कमिंग एंड तुम्हारे पास टेंट नहीं है तो यहाँ पे गांव वाले टेंट रेंट पे देते हैं। सो इट डिपेंड्स आप किसके पास से ले रहे हो, सबका अलग अलग चार्जेस है। टेंट का समवन चार्ज 300, 400, 500, डिपेंड्स टेंट के साइज़ पे। एंड फिर आप उसके साथ चादर एंड नीचे मैट डालने के लिए कुछ ले रहे हो, सो पूरा इंक्लूड करके आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे। सो अप्रॉक्स 400-500 में आपको एक टेंट मिलेगा, तो आप यहाँ पे लाइक बात कर सकते हैं उनसे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे खाना अवेलेबल है, तो जैसे जैसे आप चढ़ोगे आपको हर एक जगह पे स्टॉल मिलेंगे, आप उनसे खाने का पूछ सकते हो। सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 180, 150, 200, 250 के। सो इसमें 150 से 250 के बीच में, जो 150 है वो वेज के लिए है एंड दैट इज़ अनलिमिटेड। हम लोग ने यहीं पे टॉप पे खाया जहाँ पे नीचे एक वेल है वहाँ पे, और 250 में नॉन वेज, दैट इज़ अनलिमिटेड फूड। तो फूड का भी अरेंजमेंट है, टेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे आना है और आपको स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम लोग रात को अच्छी खासी ठंडी थी, हम लोग सो गए अच्छा खासा, रात को थोड़ा शूट किया स्टार्स का, फोटो वोटो थोड़े ट्राई किए। एंड फिर जब ही सोए हम लोग 3-4 बजे, फिर लोग आ रहे थे, लाइक लोग नाइट ट्रैक करके चढ़ रहे थे, सो दे कैन इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सनराइज। तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं गए बिकॉज वो पूरा क्राउडेड है, नहीं नहीं बोल के 50-100 लोग होंगे ऊपर या मे बी उससे ज़्यादा, इसलिए हम लोग अवॉइड किया और हम लोग ये पॉइंट पे आए। एंड आप देख सकते हो हम लोग के पीछे ऑलमोस्ट कोई नहीं है, बस यहाँ पे एक ग्रुप था, वो ग्रुप भी जा चुका है, हम लोग के साथ 4 लोग और थे, वो लोग भी जा चुके हैं बिकॉज उन लोग ग्रुप में आए तो उन लोग को जाना है। तो अभी हम लोग थोड़ा ये और थोड़ा इन्जॉय करेंगे और जाएंगे फिर अपना टेंट पैक करके नीचे उतरना। एंड लिटरली रात को इतनी ठंडी थी जब हम लोग खाना खाने गए 9:30 मुँह से धुआं रहा था पूरा। आई विश मैं वो रिकॉर्ड कर सकता, मैंने ट्राई किया बट वो GoPro में फ़ोन में नहीं आ रहा था इतना क्लियरली, सो मतलब नहीं है वो। सो यस, अच्छा खासा ठंडी है, काफ़ी अमेजिंग वेदर है यहाँ पे, इतनी बारिश हुई थी अभी फर्स्ट वीक में दिसंबर के स्टार्ट में, हम लोग लाइक हम लोग का था ऐसे कि बारिश ना हो एंड अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, हम लोग ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया अपने वे में जैसा सोचा था वैसा। सो यस, ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैपनिंग है। अगर कल सुबह आ रहे तो प्लीज़ स्टे करो, जैसा हम लोग ने किया है वैसा आप कर सकते हो। सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, रीच इगतपुरी और कसारा,
विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, एंड फिर जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, एसटी है तो एसटी से आ जाओ, अगर एसटी नहीं है तो जीप से आ जाओ, एंड बारी बेस विलेज है, बारी तक जीप वाले छोड़ते हैं, एंड फिर आप डायरेक्टली बारी से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो ऊपर पहुंचने को हम लोग को टू आवर्स 30 मिनट्स लगे अप्रॉक्स ऊपर पूरा पीक तक पहुंचने के लिए। सो अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो आपको सनसेट देखने मिलेगा, एंड फिर स्टे करके ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने मिलेगा। हम लोग इतने मैंने एक ही ट्रिप में सनसेट सनराइज़ दोनों देखा है, तो मेरे खुशी का लेवल बहुत अलग है, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरे को पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। और जितना भी मैं थका था सब जा चुका है, एंड अभी अच्छा खासा राइज हो चुका है सन, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एंड खुद फील करना पड़ेगा। तो यस, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मज़ा आया भी, एंड अभी चलते हैं, टेंट पैक करते हैं एंड फिर निकलते हैं, मिलता हूँ आप लोग को नीचे, एंड कुछ होगा ऐसा कुछ बताने जैसा, कुछ मैंने मिस किया। और हाँ, वहाँ पे जो वेल है उसका पानी पीने लायक है, हम लोग ने पिया, अच्छा ग्राउंड वाटर है, बहुत क्लियर है। अगर आपको सेफर साइड पे कुछ लाइक और भी थोड़ा सेफ ट्राई करना है तो एक कपड़ा रखो बॉटल पे, एंड वहाँ पे बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी है, उसको डिप करके पानी भर के कपड़े से फिल्टर करके आप भर सकते हो। सो पानी है, खाना है, टेंट है, आपको बस यहाँ पे आना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे, कुछ खाते पीते हैं एंड फिर डिसेंड करते हैं, मिलता हूँ आप लोग को आके। सो टेंट पूरा पैक कर लिया, एंड यहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे थे, यहाँ पे दो टेंट थे, एक नितेश का था एंड एक में मैं दया थे। सो यस, अभी उतरेंगे, वहाँ पे नीचे खाने के लिए अवेलेबल है तो वहाँ पे मैगी खाएंगे एंड फिर डिसेंड करेंगे। टाइम हो चुका है कुछ 8:55, 9 o'clock हो चुका है अप्रॉक्स, तो अभी फटाफट उतरते हैं खा के एंड मिलता हूँ आप लोग को नीचे सीधा। सो वेल गाइस, अभी हम लोग कसारा स्टेशन पहुँच गए एंड टाइम हो चुका है कुछ 2:15 के आसपास टाइम हो चुका है। यस, सो ओवरऑल हाइक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। हम लोग ने 9:15 को डिसेंट चालू किया एंड अप्रॉक्स 2 hours लगे हम लोग को नीचे उतरने के, एंड फिर उतर के हम लोग ने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया एंड थोड़ा टाइम पास किया, एंड फिर जहाँ पे जिप ने हमें छोड़ा था वहीं पे सेम जगह पे हम लोग जिप का वेट कर रहे थे। जिप का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लाइक अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको जिप मिल जाएगी, लाइक जिप आती जाती रहती है, तो अगर आप टाइम पे पहुँचे, जिप जा रही है और वहाँ पे उनके पास जिप में बैठने के लिए जगह अवेलेबल है तो आपको छोड़ देंगे, वरना आप वहाँ से घोटी के लिए अगर जिप मिल रही है तो घोटी जाके, घोटी से कसारा के लिए फ्रीक्वेंटली जिप्स अवेलेबल है तो वैसे आप आ सकते हो, फेयर उतना ही होएगा। अभी भी हमने 150 पे किया, अगर आप वाया घोटी जाके भी आ रहे हो तो उतना ही होगा, घोटी तक 50 होता है एंड घोटी से कसारा 100, तो इवेंचुअली आप 150 पे करोगे। एंड यस, पूरा ट्रैक अच्छा है, बीच बीच में खाने के लिए है, अभी थोड़ा बारिश हुआ था इसके लिए थोड़ा स्लिपरी था, आई डोंट नो बारिश में कैसा होगा, मानसून सीज़न में कैसा होगा, इसलिए मोस्टली लोग प्रिफर करते विंटर्स में करना, एंड ज़्यादातर लोग सनराइज़ के लिए करते हैं, नाइट ट्रैक करते हैं, सनराइज़ देखते हैं एंड देन डिसेंड करते हैं वन डे में। तो मैं बोलूँगा वो करने से अच्छा आप ने जैसा हमने किया वैसा करो, तो आपको अगर हमारे जितने लगे तो आपको सनसेट भी देखने मिलेगा, सनराइज़ तो मिलेगा ही। सो यस, काफ़ी अच्छा था ये ट्रैक, काफ़ी टाइम तक याद रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग को सनसेट देखने मिलेगा, बट सनसेट भी देखने मिला, तो काफ़ी मज़ा आया। एंड यस, ट्रैवलिंग का भी कुछ इशू नहीं है, वहाँ पे टेंट, फूड, मैट, मैट्रेसेस, चद्दर अद्दर, ब्लैंकेट सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, खाना पीना, बस आपको जाना है एंड वहाँ पे एंजॉय करना है, लाइक टाइम स्पेंड करना है बस। यस, तो यस ओवरऑल ये ट्रैक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैपनिंग था, मज़ा आया। एंड ये ब्लॉग आपने यहाँ तक देखा और आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, एंड आपके कुछ भी फीडबैक्स है, कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट ज़रूर करना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड यस, करता हूँ ये ब्लॉग यहीं पे एंड, मिलूंगा नए ब्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय।